तो आज हम रेडी करने जा रहे हैं ये क्विक सी चिकन कढ़ाई। और इसके लिए हम क्विकली रख लेंगे चूल्हे पे कढ़ाई। उसमें हम ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। हाफ कप ऑयल ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और लहसुन अदरक। टमाटर जो है ये प्यूरी बनी हुई थी और क्यूब्स फ्रीज हुए हुए थे, इसी तरह से लहसुन अदरक भी है। तो इसको जो है मैं ऑयल में ऐड कर दूंगी। और वैसे अगर आप टमाटर लेंगे तो दो अदर टमाटर हैं बड़े। तो टमाटर जो तुम ऐड करना है तो यह छिट्टा पैनिया ने तो यह तुम हत्थां दा ते मुंह दा ख्याल रखना है क्योंकि गर्म ऑयल है। और जब हम इसमें फ्रीज हुए हुए टमाटर ऐड करेंगे तो इसमें जी छींटे तो ये मारेगा, तो आपने ये ध्यान रखना है। और ये देखें जी, ये टमाटर मेल्ट होते जा रहे हैं और साथ साथ इनकी भुनाई होती जा रही है। यहाँ पे मैं गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने एक दालचीनी ली है, तीन लौंग ले लिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें ले ली हैं मैंने, और साथ में मैं एक बड़ी इलायची और दो तीन जो है छोटी इलायची ऐड कर दूँगी। और हम इसको भुनेंगे। और ये देखें जी, ये आया मुर्गी का लेग पीस और ये मैंने हाफ के जी जो है चिकन ले लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी चिकन कढ़ाई बनानी थी मुझे, तो उस हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही, मैं जो भी मसाला बना रही हूँ ना ये टमाटर से ही हमारा मसाला सही रेडी हो जाएगा बन के। ये देखें जी, ये यहाँ पे हो गई भुनाई इसकी थोड़ी सी। और ये मैंने ऐड किया है इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ऊपर रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। और इसको जो है हम अच्छे से भुनेंगे। और यहाँ पे जो है ये बहुत भून रही है और बस ये हमने देखना है कि मसाला जो है वो हमारा चिपके ना। वैसे तो नॉन स्टिक नहीं चिपकेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी का छिट्टा दिया है ताकि ये ज़रा थोड़ी ठंडी हो मुर्गी हमारी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ कप मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। अच्छा, ये सारा काम जो है ना ये हमारा हाई फ्लेम पे ही है, ठीक है। तो ये इसमें आपने फ्लेम अपना हाई रखना है, इसमें लो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें जी, ये जी मोटी मोटी सी मैंने हरी मिर्चें इसमें दो ऐड कर दी हैं और फिर मैंने सोचा कि तीसरी भी ऐड कर देती हूँ। तो इसको जो है ऐड करके हम भून लेंगे और इसको जो है मैं कवर करके जो है वो 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे अब मैं फ्लेम लो कर दूँगी। और ये देखें, ये जी हमारा 15 मिनट के बाद जी मज़े से जो है ये मुर्गी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखें जी, आहा। और ये हम इसे गार्निश कर देंगे धनिया से। और ये हमारी चिकन कढ़ाई क्विक बन के तैयार है। और अगर आपको हमारी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी क्विक सी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।